दोस्तों, अगर आपके सामने सिंपलीफिकेशन का ऐसा सवाल आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसको एक मिनट में हल करना है तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी आपकी जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें इसी तरह का आता है और एक मिनट में सॉल्व करना होता है। लेकिन ये जो सवाल है इतना भयानक है देखने में, कोई स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, सोल्व नहीं करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, इसको मैं लिख लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा 8 का क्यूब माइनस यहां पर हो जाएगा हमारा 9 का क्यूब और बटे में हमें दिया गया है 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 और यहां पर हमें दिया गया है 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर गलती क्या करते हैं, वो इसका क्यूब निकालने लग जाते हैं, 9 का भी क्यूब निकालने लग जाते हैं और इसको घटाएंगे, फिर आप उलझ जाएंगे, फिर ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे स्मार्ट तरीके से। अब स्मार्ट तरीका क्या है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि यहां पर aq-bq का फार्मूला क्या होता है। अगर वो फार्मूला आपको पता होगा तो ये जो सवाल है 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, तो फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर क्या होता है, a-b। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा हमारा a² प्लस ab प्लस b² ये वाला फार्मूला अगर आप इसमें लगा देंगे तो आपका जो सवाल है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लगा देते हैं, यदि हम इसको a मान लें, ये जो है इसको a मान लें और इसको हम क्या मान लें, b मान लें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, aq-bq हो जाएगा। तो aq-bq की जगह हम किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, a का मान क्या है 8, तो यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है, a माइनस b मतलब b कितना है हमारा 9 है, तो ये हो गया 8-9। ठीक है, इसके बाद में देखिए a² प्लस ab प्लस b². ठीक है, तो a² मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में क्या है, प्लस ab मतलब 8 गुणा 9, तो यहां पर आ जाएगा 8 गुणा 9। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आ जाएगा प्लस b² यानी कि 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक, और बटे में हमें क्या दिया हुआ है, बटे में हमें दिया गया है 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 प्लस यहां पर 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको यदि आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक सेम ही संख्या है। देखिए 8² प्लस 8 गुणा 9 प्लस 9 का स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब इससे आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 माइनस 9 बचेगा, तो यहाँ पर 8-9 ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, 9 में से 8 जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या काहे की है, माइनस की है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा और 9 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1 जो है वो आपका आंसर निकल कर आ गया है इस वाले सवाल का। तो देखिए इतना बड़ा सवाल है लेकिन इसका आंसर कितना छोटा है और कितना सा है। ठीक है, और सवाल भी देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।